सो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारे चैप्टर में, दैट इज़ एटॉमिक मास। सो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था एटॉमिक साइज़ के बारे में, उसको कैसे मेजर किया जाता है एंड उसके यूनिट्स, और हमने कुछ एटम्स के सिंबल्स भी पढ़े थे कि उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था क्लासिकल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। सो ओके, सो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास, जो कि हमारा नेक्स्ट टर्म है इन द चैप्टर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। सो व्हाट इज़ बेसिकली एटॉमिक मास? इट इज़ अ मास ऑफ एन एटम, जो मतलब हमारे एटम्स होते हैं उनका मास होता है, उसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं। बेसिकली मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर सरल शब्दों में अगर हम बोलना चाहें तो जो एटम्स होते हैं वो कितने भारी होते हैं, उनका भार कितना होता है, सो वो होता है एटॉमिक मास। ओके, सो ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मास। सी, अगर हम बात करें आयरन की, सो आयरन में बहुत सारे एटम्स होंगे, मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे या बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। सो जितने भी एटम्स हैं उनके सारे एटम्स का मास जो होगा ना, वो सेम होगा, ठीक है। सो आयरन का एटॉमिक मास अराउंड होता है 56 के। सो अगर आप हर एक एटम का जो मास अगर आप वे करोगे, वे तो नहीं कर सकते, बट अगर आप किसी तरह से वे करने की कोशिश करोगे इनडायरेक्टली रिलेटिवली, सो द एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम विल बी सेम, ठीक है। सो आयरन के सभी एटम्स का मास जो होगा वो सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। मतलब कि सपोज अगर हम कॉपर के एटम की बात कर रहे हैं और आयरन के एटम की बात कर रहे हैं या फिर ऑक्सीजन के एटम की बात करें, तो तीनों के एटम्स का जो मास आएगा वो अलग अलग आएगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के एटम की बात करें तो उसके एटम का मास अराउंड 16 के आसपास आता है अप्रॉक्सीमेटली। आयरन का मैंने आपको बताया था अभी 56 के आसपास आता है, और कॉपर का आता है 63। मतलब क्या हो रहा है, एटम्स जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, उनका जो भार होता है तो वो अलग अलग होता है, ठीक है। बट अगर सेम एलिमेंट के एटम्स के बारे में बात करें तो उनका जो एटॉमिक मास होता है वो हमेशा सेम होता है। ओके, चलो सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, मतलब कि कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सा एटम कितना भारी होगा, ठीक है। अगर आप मार्केट जाते हो तो आप क्या करते हो, एक तराजू देखते हो, मार्केट में जो सब्ज़ी बेचते हैं उनके पास एक तराजू होता है, वो एक साइड एक वेट डालते हैं जिसमें 1 kg 2 kg ऐसा कुछ लिखा रहता है, और दूसरे साइड जो भी चीज़ें आपको ख़रीदनी रहती वो डाल देते हैं। सो वो उस तरीके से उनका मास, जैसे कि आलू आपने देखा होगा कि आलू अगर डाल रहे हो, सो इधर 1 kg का एक हमने वेट डाल दिया और उधर उतने ही मतलब इक्विवेलेंट वेट के आलू डाल दिए, तो जो कांटा होता है वो बीच में आके रुक जाता है। सो हम ये बोलते हैं कि हाँ, इन आलुओं का वेट सपोज 10 है, 15 है, जितने भी आलू आते हैं, सो वो 1 kg के आसपास होंगे। तो वो उनको डिटरमाइन करने का एक तरीका है। सो एटम्स तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, सो इनका मास तो ऐसा नहीं है कि आप तराजू लेके जाओगे और उसमें बहुत सारे एटम्स डाल दोगे और वे कर लोगे कि अच्छा है, इसका वेट इतना आएगा, इसका वेट इतना आएगा। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम। सो द मास ऑफ एन एटम इज़ असर्टेन्ड इन रिलेशन टू द मास ऑफ कार्बन 12। तो बेसिकली जो किसी एक एटम का मास निकाला जाता है वो हम कंपेयर करके निकालते हैं, कि कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना है उसके हिसाब से बाकी एटम्स का मास हमने निकाला था, उसके रेफरेंस में निकाला था, ठीक है। सो जो एटॉमिक मास हमें मिलता है दैट इज़ एक्चुअली रिलेटिव एटॉमिक मास। सो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, अभी अभी मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि सपोज़ आप मार्केट जाते हो कुछ सब्ज़ी लेने, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक फ़ोटो कि किस तरह से एक वेजिटेबल वेंडर रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहा है। सी देखिए, यहाँ पे जो तराजू का ये साइड है, यहाँ पे क्या किया जाता है, कोई एक वज़न रखा जाता है जिसका मास हमें पता हो, ठीक है, और दूसरे साइड क्या रखा जाता है, अननोन मास के सब्सटेंसेस, जैसे कि प्याज, आलू, टमाटर, जो भी आपको रखना है इसमें सबसे में, तो ये सारी चीज़ें इधर रख दी जाती है। तो क्या होता है कि इस मास के रिलेटिव इन सब सब्सटेंसेस का मास हमें पता चल जाता है। उसी तरह से कार्बन 12 के रेफरेंस में हम दूसरे एटम्स का मास निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर हम एग्जांपल यही ले, तो तराजू में एक साइड हम कार्बन 12 के एटम रखेंगे, एक एटम, और उसके हिसाब से यहाँ पे दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स को हम रखेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा, दूसरे एटम्स का मास पता चल जाएगा। ओके, सो एटॉमिक मास यूनिट। सो एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली इज़ द 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स
विच इज़ स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर द रिलेटिव एटॉमिक मास। सो बेसिकली ये लिखा हुआ है, इसे हम समझते कि क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली आपके पास एक कार्बन का एटम है, ठीक है। सो कार्बन के एटम को हम 12 टुकड़े कर देंगे, ठीक है। सो 12 टुकड़े कर दिए, अभी हमने यहाँ पे देखिए ये एक एटम है, अब इसके हम 12 टुकड़े कर रहे हैं। सो ये 12 टुकड़े हो गए, 12 पीसेस हो गए, ओके, ठीक है। सो अब इनमें से एक पीस अगर हम निकालते हैं, सो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ओके। सो होपफुली ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट हम क्या करते हैं, एटम्स के जो मास होते हैं उनके आगे एज अ यूनिट कंसिडर करते हैं। जैसे आप लेंथ के आगे सेंटीमीटर लगाते हो, जो रेडियस ऑफ एटम होता है उसके आगे नैनोमीटर लगाते हो, सो हम एटॉमिक मास के आगे लिखते हैं AMU। सपोज़ अगर आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिख रहे हो तो आप लिखोगे 1.008 AMU। सपोज़ आप ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिख रहे हो तो आप लिखोगे 16 AMU एंड सो ऑन। सो दिस इज़ हाउ द टर्म एटॉमिक मास यूनिट इज़ डिफाइंड। सो एटॉमिक मास बेसिकली होता क्या है, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज़ नोन एज द एटॉमिक मास। बेसिकली ये मास नंबर होता है, बट जूनियर क्लासेस में आप एटॉमिक मास कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। सो सपोज़ हमारे पास ये एटम है, एटम में आपको सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो बना हुआ होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो इसमें कित जो मास होगा प्रोटॉन का और जो मास होगा न्यूट्रॉन का, उनको ऐड करोगे तो आपको एक टर्म मिलेगा दैट इज़ मास नंबर, ठीक है। और वो मास नंबर अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट होता है एटॉमिक मास के, ठीक है। सो दैट इज़ द एटॉमिक मास, ओके। सो रिलेटिव एटॉमिक मास अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। सो पुराने ज़माने में क्या करते थे, विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हम मेजर करते थे रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब क्या करते थे कि मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, इससे हमको पता चल जाता था कि हमारा जो एटम है वो कितना हैवी है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। सो उससे पता चल जाता था कि अच्छा सपोज़ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना टाइम्स हैवी है वो हमें पता चल जाता था इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। सो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हम उस तरह से एटॉमिक मास निकालते थे। नेक्स्ट अभी हम क्या करने लगे हैं, हम विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन हम निकालने लगे हैं जो एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। सो विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू द 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। तो इस तरह से हम एटॉमिक मास अभी निकालने लगे हैं। सो बेसिकली रेशियो क्या होता है, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 द पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। सो इस तरह से अगर आप निकालोगे तो आपको एटॉमिक मास निकल जाएगा जिस भी एलिमेंट का हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। आगे हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास और एक्चुअल एटॉमिक मास, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इसमें हम देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास हैं, उनके एटॉमिक मासेस यहाँ पे टेबल में दिए हुए हैं। सी हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मासेस है, सी ये यूनिट्स में है, AMU भी होता है। AMU में अप्रॉक्स वैल्यू आती है हाइड्रोजन की 1.008, बट यहाँ पे हम राउंड ऑफ करके ले रहे हैं। सो हाइड्रोजन का जैसे एटॉमिक मास दिया हुआ है 1, हीलियम का है 4, कार्बन का है 12, नाइट्रोजन का है 14, ऑक्सीजन का है 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन हैज़ 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32। इसी तरह से यहाँ पे क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, आर्गन, आयरन, कॉपर, जिंक, ब्रोमीन, सिल्वर और गोल्ड के एटॉमिक मासेस भी दिए हुए हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेस आपको याद रखने हैं, ठीक है, जो कि मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे, ओके। सो बेसिकली जो ये फर्स्ट लाइन है, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन नहीं भी रखे तो चलेगा, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन का याद रखना है, पोटेशियम का याद रखिए, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक का याद रखिए, ठीक है। सो ये सारे एटॉमिक मासेस इफ़ यू रिमेंबर देन इट विल बी इजी टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो जो अगला टर्म है दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते थे बट अब हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, क्योंकि वेट जो होता है दैट इज़ एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास ऑफ एनी सब्सटेंस। सो बेसिकली फिजिक्स में जब आप कंसिडर करते हो तो मास और वेट दोनों चीज़ें कंसिडर करना पड़ता है, बट इन केमिस्ट्री मॉलिक्यूलर मास टर्म को हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, ओके। बिकॉज सी अगर वेट भी यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एटम्स इतने छोटे होते हैं कि उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स का उतना
फ़र्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं? सो मॉलिक्यूलर मास, सपोज हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास होते क्या हैं. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. जब दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन हो जाए तो उन्हें हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. ओके, सिंपल सी, जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाए तो वो बनाएगा H2. तो H2 हमें मॉलिक्यूल बोलेंगे, H2 को हम, ठीक है. जैसे एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन हो जाए तो उसे हम बोलेंगे O2, और O2 जो आ रहा है दैट इज़ अ मॉलिक्यूल. अब उनका मास कितना होगा? सी, हमने पीछे जो टेबल था उसमें देखा था कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1. अब यहाँ पे दो एटम कंबाइन हो गए तो इन दोनों का कंबाइंड वेट कितना होगा? 2. ओके, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 विल बी 2. सिमिलरली ऑक्सीजन का हमने पीछे टेबल में जब देखा था तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना था? 16. अब दो एटम कंबाइन हो गए हैं तो दो एटम कंबाइन हो गए मतलब मॉलिक्यूल बन गए. मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? सो 16 प्लस 16 दैट विल बी इक्वल टू 32. ओके, सो दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मास. अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन, सो यू कैन जस्ट राइट द डेफिनेशन. ओके, बट द मॉलिक्यूलर मास जो कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया. सो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. सो एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे हम लेते हैं CO2, सो कार्बन डाइऑक्साइड. सो इसमें एक एटम हमें दिख रहा है कार्बन का और दो एटम दिख रहे हैं हमें ऑक्सीजन के. सो कार्बन का एटॉमिक मास कितना था? होता है 12, ठीक है. ऑक्सीजन के दो एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 16 प्लस 16 दैट इज़ 32. सो सबको ऐड कर लो, सबको ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस 16 प्लस 16 सो दैट इज़ इक्वल टू 44. सो 44 आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2. सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. सो अब आ जाते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक मासेस पे. सो बेसिकली जो एटॉमिक मासेस होते हैं उनका यूनिट हमने अभी देखा था कि AMU लिखा जाता है. अगर एटॉमिक मास हमें पता है, जैसे ऑक्सीजन का 16 था एटॉमिक मास तो उसके आगे हम लिखते थे 16 AMU. ओके, बट कुछ टाइम के बाद हम सिर्फ 16 और उसके आगे U लिख देते थे तो 16 यूनिट्स. ओके, सो बेसिकली जब आप एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में लिखते हो, मतलब उसके आगे यूनिट अगर हम ग्राम लगा रहे हैं तो उसे बोला जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है. सो 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट को अगर हमें ग्राम्स में लिखना है तो हम सिंपली क्या लिखेंगे? 16 ग्राम. ओके, अब कार्बन का जैसे एटॉमिक मास है 12 AMU या फिर 12 U, अगर हम उसे ग्राम में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 12 ग्राम्स. ओके, सो दिस इज़ सिंपल. अभी हमने CO2 का निकाला था, CO2 का कितना निकाला था मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास? दैट वाज 44 U, ठीक है. अगर अब इसे हम ग्राम्स में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 44 ग्राम्स, सिंपली G लिख देना, बस इतना ही सिंपल है. मतलब मॉलिक्यूलर मास जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करना है. अगर यूनिट आपको ग्राम में पूछे तो आप जी लिख दीजिए, अगर आपको यूनिट्स AMU में लिखना है तो आप AMU में लिखिए. जैसा पूछा जाए क्वेश्चन में उस टाइप से आप यूनिट को लिखेंगे. ओके, सो चलते हैं आगे. सो नेक्स्ट इज़ ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम. सी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए ड्राई गैस एट STP. मतलब अगर कोई गैस है, सपोज हाइड्रोजन गैस है या फिर ऑक्सीजन गैस है, सो उसका 1 ग्राम मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा STP पे, ठीक है, सो उसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम बोलते हैं. ठीक, सिंपल. सो STP क्या होता है? सो STP इज़ बेसिकली स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस. सो जो टेम्परेचर हम लेते हैं, सो दैट टेम्परेचर इज़ बेसिकली 273 केल्विन, या फिर हम डिग्री सेल्सियस में लेते हैं तो दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस. और जो प्रेशर होता है, सो प्रेशर इज़ अराउंड 1 एटमॉस्फेयर, या फिर हम उसे MMHg के टर्म्स में ले तो दैट इज़ 760 MMHg. ओके, सो दिस इज़ ग्राम STP. नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 22.4 लीटर एट STP. सो साइंटिस्ट ने जब 1 ग्राम मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को चेक किया था स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस में, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आई थी दैट वाज अराउंड 22.4 लीटर्स, ठीक है. सो ये टर्म याद रखना, 22.4 लीटर ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल की वॉल्यूम होती है. वॉल्यूम सबको पता होगा क्या होती है, वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स, ठीक है. अगर हम एक बॉक्स लेते हैं, सो बॉक्स में अगर हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स डाल दें किसी गैस के तो वो कितना वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, दैट विल बी द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम.
उसकी वैल्यू होती है 22.4। ओके सो आगे चलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सी हमें पता है कि एटम्स का साइज़ इतना छोटा होता है, मास भी इतना कम होता है, तो अगर आपको बोला जाए कि आप 16 ग्राम ऑक्सीजन लेके आइए या 32 ग्राम ऑक्सीजन लेके आइए, तो ऑक्सीजन के तो एटम्स तो बहुत छोटे हैं, सो हम तो देख भी नहीं सकते एटम्स को, तो फिर लेके कैसे आएंगे। तो उसके लिए एक और यूनिट को हम कंसिडर करते हैं मेजरमेंट के लिए, जिसमें हम लिखते हैं मोल। सो मोल इज़ यूनिट फॉर मेजरिंग, ये कैलकुलेशंस में यूज़ होता है, द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इनके कैलकुलेशन में हम यूज़ करते हैं जो क्वांटिटी, दैट इज़ मोल। ओके सो मोल इज़ यूज इन केमिस्ट्री फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। सो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि 1 डज़न जो होता है, सो 1 डज़न मतलब कितनी क्वांटिटी होती है, दैट इज़ इक्वल टू 12 एंटिटीज़। मतलब अगर आपको बोला जाए कि 1 डज़न ऑरेंजेस लेके आइए, सो आप कितने ऑरेंज लेके आओगे, 12 ऑरेंजेस लेके आओगे। ओके उसी तरह से केमिस्ट्री में जब आपको बोला जाता है कि आप 1 मोल ऑफ एटम लेके आइए, या 1 मोल ऑफ ऑरेंजेस लेके आइए, या 1 मोल ऑफ बनाना लेके आइए, तो आप कितनी क्वांटिटी लेके आओगे, 6.022 × 10^23 क्वांटिटीज़ लेके आओगे, मतलब बहुत सारी क्वांटिटीज़ हो जाती है ये। सो 1 मोल मतलब इतनी क्वांटिटीज़ आपको लाना है। सो क्वांटिटीज़ में हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, एंटिटीज़ एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स। सो ये सारी एंटिटीज़ हम मोल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके सो आगे देख लेते हैं। ओके सो एटम्स के केस में अगर हम देखें तो 1 मोल जो होता है वो उसकी वैल्यू आती है एटॉमिक मास के बराबर। सपोज़ अगर हम 1 मोल कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है ग्राम्स में, 12। सो 1 मोल इज़ इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ये हमेशा होगा, ठीक है। और जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको बोला 1 मोल हाइड्रोजन, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ओके सो नेक्स्ट अगर आपको पूछा जाए कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को बताइए, सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगा, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होगा। ओके सो एटॉमिक मास के बराबर होता है, और दैट इज़ इक्वल टू 6.022 × 10^23 एटम्स। सो अगर आपको बोले जाए कि 1 मोल कार्बन में कितने एटम्स होंगे, तो आपको बताना है 6.022 × 10^23 एटम्स होंगे। बट इनडायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि अगर कार्बन का एटॉमिक मास है 12 ग्राम, तो उसमें कितने एटम्स होंगे, सो वो भी 1 मोल के बराबर होता है, तो उसमें भी 6.022 × 10^23 एटम्स ही होंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना, 1 मोल जो होता है वो एटॉमिक मास के बराबर भी होता है, और वो ही इक्वल होता है 6.022 × 10^23 एटम्स के लिए। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स के केस में भी वही होगा, जैसे आपको बोला जाए कि 1 मोल CO2, तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास बताइए। सो जो 1 मोल होगा CO2 का, उसका जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इन ग्राम्स। मतलब CO2 का मॉलिक्यूलर मास अभी हमने कितना निकाला था, 44 निकाला था, सो 44 ग्राम्स के बराबर 1 मोल आएगा CO2 का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो 1 मोल में हमेशा 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन पूछे तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन पूछे तो उतने ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ आपसे पूछा जाए कि 2 मोल CO2 में मॉलिकुलर मास कितना होगा, तो सिंपल 1 मोल का मॉलिकुलर मास कितना होता है, 44, तो 2 का कितना होगा, सो 2 × 44, सो 88 हो जाएगा, ठीक है। से मॉलिक्यूल्स कितने होंगे अगर पूछे तो 2 मोल ऑफ CO2 में, सो आपको पता है 1 मोल ऑफ CO2 में कितने होते हैं, 6.022 × 10^23, तो 2 मोल में कितने होंगे, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो आपको मिल जाएंगे 2 मोल्स में कितने होंगे। ओके सो यहाँ पे हम लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, आगे के टर्म्स पढ़ेंगे, सो स्टे ट्यून्ड देन, सी यू।